इस वक्त हम हैं होम मिनिस्टर बामन फेलिक्स के ऑफिस के बाहर, जहां अंदर पे 183 कॉम्पैशनेट कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग चल रहा है। और आज सर के मुताबिक आज 11 नवंबर है और आज ही फाइनल डिसीजन देने वाले हैं होम मिनिस्टर बामन फेलिक्स। देखना होगा कि बाकी जितने भी 183 कैंडिडेट उसे सेलेक्ट करते हैं कि नहीं। अभी सर ने अंदर आज क्योंकि आज लास्ट था डिसीजन देने का बात था, तो क्या बात हुआ सर अंदर? सर ने हमें जितना कुछ रिमेनिंग पोस्ट है डिपार्टमेंट के अंदर में, तो उनको एज पर कंपेंसेट क्रिटेरिया के हिसाब में वो रिक्रूटमेंट करेंगे, ऐसे आश्वासन दिया। और पोस्ट ना जिनको सर ने बोला है कि रिक्रूटमेंट करा देगा, तो आप लोग जो 183 जो कैंडिडेट्स हैं उन लोग उससे सेटिस्फाई हैं? जी, वो अगर जब डिपार्टमेंट का अगर क्रेटेरिया में जाता है बोल के उसका हिसाब में करता है तो क्या कर सकता है, और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर पोस्ट होता तो ज़रूर करता, डिपार्टमेंट वाला भी ऐसे बोला है होम मिनिस्टर सर। और वो होम मिनिस्टर सर ये भी बोला है कि और अपना सीएम सर से भी बात करेंगे कि पोस्ट को और थोड़ा बढ़ाने के लिए, ताकि स्टेट का जो स्पेशली होम डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कमियाँ है बोला है, तो उनको फुलफिल हो सके। सर आज आपकी तरफ से पैसा देने वाला था 183 कॉम्पिटिशनल कैंडिडेट्स को, तो अभी जैसे मीटिंग ओवर हुआ तो रीजन क्या हुआ सर? देखिए, ये कंपेंसेशन वाला मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ये एक बैकलॉग था पूरा लास्ट 7-8 ईयर्स का, जो हमारे पुलिस लाइन ऑफ ड्यूटी में या कुछ कारण में देहांत हो गया, तो उनका जो परिवार में से एक ग्रुप सी पोस्ट देना है ऑन कंपेंसेट ग्राउंड में, और ये एक्सरसाइज हुआ। और हम लोग ये टिल 2019 वी हैड अराउंड 325 पोस्ट, जहाँ में वी रिसीव अराउंड 508 एप्लीकेंट्स। तो अंडर द गाइडलाइंस जो क्राइटेरिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की तरफ से जो ले डाउन किया, उस क्राइटेरिया का अनुसार 325 लोगों को एब्जॉर्ब कर दिया गया, और उसमें से 183 लोग लेफ्ट आउट हो गया। तो ये 183 जो है लेफ्ट आउट बोलकर लैंग्वेज दे, बट वो पोस्ट दिए अभी फिलहाल। तो आज हम उन लोग मिलने आए, तो मैंने आई हैव टोल्ड देम दैट एट द मोमेंट अराउंड 50 प्लस पोस्ट आर लाइकली टू कम अप, तो एज सून एज व्हेन इट कम्स आउट देन वी विल स्टार्ट रिक्रूटिंग द अराउंड 53 समथिंग पोस्ट टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स आउट ऑफ द एवरीवन एप्लीकेंट्स हु एवर फुलफिल द क्राइटेरिया, उस हिसाब से हम लोग फुलफिल कर देंगे।